गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर लिख करके लाई हूँ। चैप्टर नेम है द वाइज मैन ऑफ गॉथम। चैप्टर नेम है द वाइज मैन ऑफ गॉथम। ये इसका क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने कॉपी में लिखा है। आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्लास 2 की बुक है, रियल इंग्लिश बुक, द वाइज मैन ऑफ गॉथम। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वेयर द पीपल ऑफ गॉथम नोन फॉर। द आंसर इज द पीपल ऑफ गॉथम वेयर नोन फॉर देयर फुलिशनेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द होल वर्ल्ड कॉल देम इन फन। द आंसर इज इन फन द होल वर्ल्ड कॉल्ड देम द वाइज मैन ऑफ गॉथम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मार्टिन डू विद द फ्लोर। द आंसर इज मार्टिन पॉट द फ्लोर इनटू द रिवर एंड आल्सो टॉट जॉन एंड टॉबी एन इम्पॉर्टेंट लेसन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मार्टिन शो दैट देयर वेयर एक्चुअली नो शिप। यानी कि मार्टिन ने कैसे दिखाया कि वहां पर कोई भी शिप नहीं था। द आंसर इज मार्टिन पॉट द फ्लोर फ्रॉम हिज सैक इन टू द रिवर देन ही टोल्ड जॉन एंड टॉबी डैट देयर इज नो फ्लोर इन द सैक एंड देयर इज नो सेंस इन योर फुलिश हेड्स बिकॉज यू वी आर फाइटिंग अबाउट शिप विच आर नॉट हेयर एट ऑल। In this way, Martin showed that there were actually no ship. Question number 5. Who do you think is the most foolish person among the three? Why? The answer is, I think Toby is the most foolish person among the three because Toby loved to find fault with everything.